दोस्तों ले हम कल रात को ही पहुंच गए थे और वहाँ पे हमने होटल में चेक इन करके नाइट स्टे किया और अगले दिन हम फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े मार्केट घूमने के लिए, क्योंकि इस दिन हम जो हमारा इनर लाइन परमिट बना हुआ था उसमें क्या सिस्टम है कि वो जब भी आप फिल करेंगे 2 दिन पहले ब्लॉक कर देता है। एक दिन हमारा ब्लॉक हो चुका था, आज आज सेकंड डे था, तो आज हमने ले मार्केट घूमने का विचार किया। और ले की जो ऐतिहासिक मार्केट है, छोटी सी मार्केट ही है मगर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है और यहाँ पे अलग किस्म की कलाकृतियाँ और ले के फ्रूट्स जैसे खुमानी, आड़ू, ले का एप्पल और ये देखिए ड्राई खुमानी, और ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अलग किस्म की हैं जो देखने को मिलती हैं। ये देखिए ये है तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट, इसमें जो प्रोडक्ट्स लगे हैं बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोडक्ट्स हैं और ये वेट बाय वेट मिलते हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए आप, मतलब हमें देख के काफ़ी मज़ा आया, मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो भी चीज़ सामने नज़र पड़ती है आदमी कहता है ले ले। और दोस्तों इसके बाद हमें मिला आई लव लद्दाख का साइन बोर्ड जिसमें हमने फ़ोटो खिंचवाई। दोस्तों अभी हम आए हैं ले मार्केट में और एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं खाना खाने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे वो सामने देखिए ले पैलेस में, और सामने वो जो उसके दिख रही है मोनेस्ट्री। आज हम ये दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हैं ले पैलेस की ओर, तो ये देखिए ले पैलेस जाने का रास्ता है, तो ये काफ़ी हाइट के ऊपर है। चलो चलते हैं। दोस्तों ले पैलेस का एड्रेस है नमग्याल हिल ले, और इसका ओपनिंग टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, और इंडियन विजिटर के लिए जो टिकट प्राइस है वो ₹20 पर पर्सन, और फॉरेन विजिटर्स के लिए इसकी टिकट प्राइस है ₹250 पर पर्सन। दोस्तों ले पैलेस अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है जो तिब्बती निर्माण शैली को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त महल की छत से लद्दाख के लेह शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। लगभग 1600 में राजा सेंगे नमग्याल ने ले पैलेस का निर्माण करवाया था, जिसे लाचेन पालकर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये पीछे का नज़ारा, यहाँ से पूरी ले सिटी विजिबल होती है। तो आप देखिए मेरे पीछे इतना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता।
दोस्तों ले पैलेस के बाद हम निकल पड़े शांति स्तूपा की ओर, जो ले पैलेस से अप्रॉक्सीमेट 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। और इसकी जो है एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है, और इसका जो ओपनिंग टाइमिंग्स है सुबह 5 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। इसमें बेस्ट है कि यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट देखने का एक जो आनंद है वो बिल्कुल अलग है। शांति स्तूप उन स्तूपों को कहते हैं जो मानव जाति में मानसिक शांति उत्पन्न करने के ध्येय से निर्मित किए गए हैं। ये स्तूप सभी प्रजाति के मानवों के लिए ध्यान करने हेतु खुले होते हैं, ये विश्व शांति के लिए होते हैं। शांति स्तूप में बुद्ध की 4 चमकदार और सोने की पॉलिश की हुई मूर्तियां हैं। इसके अलावा मंदिर की दीवारों में 8 बलुआ पत्थर की नक्काशी की हुई है, जो गौतम बुद्ध के जीवन के विभिन्न चरणों से अलग अलग कहानियों को दर्शाती है। ये समाज के विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और शांति का संदेश फैलाने के लिए बनाए गए हैं।